Good morning, students. And today its topic is arithmetic progression, in short form AP. First of all, we are discuss what do you mean of AP and what use in how in your future. तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अपने क्लास के अंदर कि ये जो एपी है ये अपने फ्यूचर में कहाँ यूज करनी है, अपने को कैसे यूज करनी है. सबसे पहले अपन उसकी बात करेंगे. तो जनरली अपन ने जब फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में होते हैं तो टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं. कैसे करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन काउंट करते हैं 2, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 6, 8, 10 एंड लास्ट इज सो ऑन. ये कैसे बनाते हैं अपन? अपन क्या बोलते हैं, अपने टीचर क्या बताते हैं अपने को, 2 × 1 = 2, नेक्स्ट 2 × 2 = 4 एंड नेक्स्ट 2 × 3 = 6 एंड लास्ट सो ऑन. बट अपन जनरली इनकी अपन को इस वे में बात करें, जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड नेक्स्ट टर्म दैट आर रिलेटेड बिटवीन That is related. This is related between +2. Means previous term के अंदर अपन 2 plus करते हैं तो next term अपने पास बनती है 4. And after 4 +2. That is related between difference 2 +2. And next +2. And next +2. And last so on. उसके बाद में अपन बात करें फिर टेबल की, 5, 10, नेक्स्ट 15, नेक्स्ट 20, नेक्स्ट 25 एंड लास्ट इज सो ऑन. दैट आर सेम बट हियर देखो, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड दैट इज सेकेंड टर्म, राइट? सो दैट इज फर्स्ट टर्म और आफ्टर सेकेंड टर्म 10, that is always +5, next +5, next +5, next +5, fix. So here always +2, +2, +2, +2, that is last. तो इसके अंदर अपन ने क्या देखा कि प्रीवियस रन के अंदर अगर अपन +2, +2 करते हैं तो नेक्स्ट रन अपने पास फाइंड आउट हो जाती है. इस रन की बात करें तो अपन ने ऑलवेज इसके अंदर क्या प्लस किया, +5 किया. ये अपन जो +5 कर रहे हैं, +2 कर रहे हैं, माइनस में भी हो सकता है, डेसिमल के फॉर्म भी हो सकता है, फ्रैक्शन के फॉर्म में भी बना सकते हैं अपन. तो कैसे भी बना सकते हैं, एक नंबर होगा जो फिक्स्ड होगा, राइट? एक नंबर होगा जो पहले वाले टर्म के अंदर नेक्स्ट टर्म अपने को फाइंड करनी है, या तो प्लस करना होगा उसके अंदर या माइनस करना होगा. अब ये तो पॉजिटिव +5 था, माइनस की बात करें तो आपने जनरली एक क्लास के अंदर देखा होगा, क्लास के अंदर फर्स्ट रैंक होती है, सेकंड रैंक होती है, उसके बाद थर्ड होती है, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट 10 तक बनाते हैं अपन, बनाते हैं. तो उसके अंदर भी क्या डिफरेंस है, उसके मार्क्स में डिफरेंस करके अपन बताते हैं. दैट इज फर्स्ट रैंक स्टूडेंट, दैट इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी है. अपने को इनको ये इस फॉर्म में बनाना है जनरली कि वो उनके सिक्वेंस सेम हो. फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करें, फर्स्ट अपने पास स्टूडेंट है फर्स्ट रैंक का, वो है 100 मार्क्स वाला, क्लियर? नेक्स्ट अपने पास है 98 सेकंड रैंकर, नेक्स्ट अपने पास है थर्ड रैंकर, उसके है 96, नेक्स्ट अपने पास 94. इस तरह से अपने पास क्या है, एक क्लास का ऑर्डर बना हुआ है जो किसको डिवाइड करते हैं, रैंकर्स को बताता है. रैंकर्स मींस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो अपन ने देखा कि सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट रैंक है उसके 100 मार्क्स है, जो सेकंड रैंक पे बैठा है उसके लेस मार्क्स है, कितने, पहले वाले से 2. तो ये कितना हुआ, इससे ये वाले टर्म क्या बनी, -2. एंड थर्ड और सेकंड में जो डिफरेंस है वो किसका है, -2 मार्क्स का है, इसके अंदर -2 मार्क्स का है. तो इस अकॉर्डिंग अपन समझ सकते हैं एपी की सपोर्टिंग अपने को यूज लेना है. तो ये जो डिफरेंस चल रहा ना, इन सब में डिफरेंस अपने को ऑलवेज ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म मींस रिलेशन बताना अपने को प्रीवियस टर्म और उससे नेक्स्ट वाले टर्म के अंदर. ये नहीं है कि इसमें फर्स्ट टर्म यूज ले लिया और इसके अंदर जो फिफ्थ टर्म है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, नो, दैट इज रॉन्ग.
नेक्स्ट टर्म एंड प्रीवियस टर्म के बीच में अपने को क्या बनाना है, एक रिलेशन बनाना है। वो रिलेशन किस अकॉर्डिंग बनाना है, नंबर्स के फॉर्म में बनाना है। वो पॉजिटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, डेसिमल के फॉर्म में बना सकते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन वो डिफरेंस होगा ना, वो क्या होगा, सेम होगा, या तो प्लस का होगा या माइनस का, मीन्स पॉजिटिव बन सकता है या फिर नेगेटिव बन सकता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एपी के इन टर्म्स के बारे में, ठीक है। क्लियर? तो अपन ने एक सीक्वेंस देखी बेटा, कौन सी, ये सबसे पहले अपन ने 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 and last 100। एक बात हो, ये जो अपन डिफरेंस की बात कर रहे हैं ना, ये जीरो भी बन सकता है। हाउ? लुक, -2, -2, -2, -2, -2 and last 100। ये एक सीक्वेंस है ना, सीक्वेंस के फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इसके अंदर देखो, फर्स्ट टर्म अपने पास है -2, दैट इज सेकंड, दैट इज आल्सो -2। तो इस फर्स्ट वाले टर्म के अंदर में अपने क्या क्या प्लस किया, प्लस जीरो ऐड किया, किया तो क्या बना, -2, एंड नेक्स्ट जीरो ऐड किया, देन नेक्स्ट जीरो, नेक्स्ट जीरो। तो देख रहे जो डिफरेंस हो रहा ना, ये सेम है, जीरो जीरो, यू नो दैट जीरो इज ए नंबर, राइट ना। तो एक नंबर बनना चाहिए, वो प्लस का भी बन सकता है, वो माइनस का भी बन सकता है, और जीरो भी बन सकता है, कैसी भी बन सकता है, वो सेम होगा। बट वो नेक्स्ट वाले प्रीवियस टर्म के अंदर जो ऐड करेंगे वो सभी में सेम सेम होगा, ठीक है। तो अपन ने देखा कि एपी किस फॉर्म में है, ये एक एपी है। तो एपी के अंदर अपन क्या करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर फर्स्ट जो टर्म होती है ना, फर्स्ट, इसको अपन डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म, एंड डिनोटेड बाई स्मॉल ए, लाइक स्मॉल ए से डिनोट करेंगे इसको, एंड दैट इज सेकेंड टर्म, एंड डिनोटेड बाई ए टू। इस ए को अपन ए से भी डिनोट, ए वन से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम ही। एंड दैट इज ए थ्री, दैट इज ए फोर, दैट इज ए फाइव, एंड लास्ट इज, मैं लास्ट वाले टर्म को बोल देता हूं nth टर्म, इनफाइनाइट टर्म नहीं, इनफाइनाइट तो बहुत सारी होती है, इनफाइनाइट तो देखो नॉट एग्जिस्ट वाली टर्म होती है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, nth टर्म बोलूंगा, और उसको डिनोट करूंगा an, दैट इज an, नॉट an, दैट इज रॉन्ग, इट्स मीन्स an, nth टर्म। क्लियर है? वैसे भी आप थोड़ा बहुत समझते हैं कि कोई भी सिक्वेंस है उसका इनफाइनाइट टर्म अपन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है, तो अपन उस टर्म को क्या बोलेंगे एपी के अंदर, nth टर्म। तो अपन देखो कोई भी दो टर्म यूज कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यूज करते हैं ये दोनों टर्म्स के अंदर, अपने पास है 2 and 4। क्लियर? अपन ने डिनोट किया इसको ए से, ए वन से, इसको डिनोट किया ए टू से, ये कैसे बनी, ये ऐसे बनी, देखो ये फर्स्ट टर्म है, इसके अंदर अपन ने क्या प्लस किया, प्लस टू एड किया, इस एड करने को, माइनस करने को, इनको क्या बोलते हैं, एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस, किससे डिनोट करेंगे इसको, कॉमन डिफरेंस से डिनोट करेंगे। वो क्या होगा अपने पास, उसको अपन डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। वैसे इसका एक फॉर्मूला बनता है वो मैं बता देता हूं, जैसे ये वाले टर्म है, ये वाले टर्म है, ऑलवेज ध्यान रखना नेक्स्ट टर्म में से अपने को प्रीवियस टर्म माइनस करनी है, इट्स मींस ए टू माइनस ए वन, तो डी इक्वल्स टू क्या बनेगा अपना, ए टू माइनस ए वन, अदरवाइज नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब वो कोई भी टर्म सोचती है, 7 वाली में से अपन 6 वाली माइनस कर सकते हैं, 20 वाली में से अपन 19 वाली माइनस कर सकते हैं, अपन ये नहीं बना सकते हैं डी इक्वल्स टू क्या ए वन माइनस ए टू, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। अपने को क्या करनी है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म का मीन्स क्या है, उससे आगे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को क्या करना है अपने को, माइनस करके बताना है, फिर अपने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन
कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला ये भी दे सकते हैं, जैसे ए थ्री माइनस ए टू बना सकते हैं राइट। तो सबसे पहले अपन ने बात किया, एक सीक्वेंस को यूज किया, उससे अपन ने क्या देखा, फर्स्ट टर्म देखा, उसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, अदरवाइज ए वन से। सेकेंड टर्म की बात करें, दैट इज ए टू एंड नेक्स्ट ए थ्री नेक्स्ट ए फोर एंड लास्ट टर्म को अपन डिनोट करेंगे उसको ए एन से, राइट। वेरी गुड, कॉमन डिफरेंस हो गया अपने पास, कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं अपन डी से। डी का मीन्स क्या होता है, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अपन इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो देखो क्या बनेगा, यहां देखो कॉमन डिफरेंस की बात करते हैं अपन, डी इक्वल्स टू क्या बनेगा, ए टू माइनस ए वन, राइट। ए टू मीन्स फोर माइनस टू एंड दिस इज टू, हाउ, दैट इज साइन प्लस, दैट इज माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो फोर माइनस टू टू, बट प्लस माइनस के अंदर अपन यूज करते हैं मोर देन टर्म का या मोर देन साइन का, दैट इज हियर प्लस टू, राइट। एंड नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करें, दैट इज फिफ्थ टर्म एंड दैट इज फोर्थ टर्म, तो अपना कॉमन डिफरेंस देखो क्या आएगा, ए फाइव माइनस ए फोर, हियर ए फाइव मीन्स टेन एंड दैट इज एट, अगेन प्लस माइनस माइनस, टेन माइनस एट प्लस टू, वेरी गुड। तो देखो आपने सबसे पहले अपन ने एक बात देखी कि एक सीक्वेंस के अंदर अपन ने जो भी डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं वो ऑलवेज क्या कर रहे हैं, सेम सेम बात कर रहे हैं। तो अपन एपी की मीन्स ऐसे समझेंगे कि विच सीक्वेंस ऑलवेज हैव कॉमन डिफरेंस ऑलवेज सेम, दैट इज मीन्स एक सीक्वेंस के अंदर ऑलवेज हमेशा क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो वो क्या बनेगी, आर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी। क्या बनेगी, आर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या अपन ऐसे भी बोल सकते हैं एक सीक्वेंस के अंदर ऑलवेज कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं कि दो एक सीक्वेंस के अंदर कोई एनी टू टर्म्स, कोई भी दो टर्म्स के अंदर वही रिलेशन होना चाहिए जो किसी भी टर्म में हो सकता है, उस सीक्वेंस के किसी भी टर्म में हो सकता है, जैसे फर्स्ट सेकेंड में हो सकता है, फिफ्थ और फोर्थ में हो सकता है, 20 एंड 19 में, उनका तो जो रिलेशन है ना वो सेम होगा, वो प्लस में माइनस में डेसिमल में फ्रैक्शन में कैसे भी बन सकता है। क्लियर बेटा, यस क्लियर। तो इसकी अपन जनरल टर्म बनाते हैं, जनरल टर्म। अब अपन बात करेंगे कॉमन एपी के अंदर कॉमन उसके जनरल टर्म की। देखो आपको ये थोड़ा ध्यान भी रखना है, कई बार क्या होता है एक वन मार्क्स का पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो अपन जनरल टर्म की बात करें एपी के, इसको ओरिजिनल टर्म भी बोलते हैं, ठीक है। जनरल टर्म का मीन्स क्या है, एक सीक्वेंस जो एपी के अंदर होगी वो ऑलवेज इसको क्या करेगी, सटिस्फाइड करेगी। अभी अपन बात करके देखते हैं, और वो आपको ध्यान रखनी है, एपी के अंदर एपी दैट इज ए, ए मीन्स फर्स्ट टर्म ए प्लस डी एंड नेक्स्ट ए प्लस टू डी, देन नेक्स्ट ए प्लस थ्री डी एंड लास्ट दैट इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एपी के अंदर फर्स्ट टर्म होगी ए, सेकेंड टर्म जिस फॉलो करेगी ए प्लस डी को, थर्ड टर्म फॉलो करेगी ए प्लस टू डी को, ए प्लस थ्री डी को, और लास्ट जो टर्म होगी वो किससे फाइंड आउट होगी, ए प्लस एन माइनस इंटू डी, एन माइनस वन इंटू डी। देखो एक एग्जांपल अपन यूज करते हैं, हाँ अपन ने ये बनाया, देखो क्लास की ऑर्डर की बात करें रैंकर्स की, तो वो थे हंड्रेड, फिर हंड्रेड यानी सॉरी 98, फिर था 96, फिर 94, 92 एंड लास्ट सम। इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, तो अपन फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ए, ए मींस ए वन दैट इज 100, राइट, वेरी गुड। सेकेंड टर्म दैट इज ए टू,
दैट इज 98. वी हैव फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, तो वी फाइंड कॉमन डिफरेंस देयर. कॉमन डिफरेंस दैट इज डी. विच फॉर्मूला? ये फॉर्मूला अपने पास यूज करना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म. तो वी आर पुट हियर ए वन एंड ए टू, दैट इज 98 माइनस 100. देखो दैट साइन इज प्लस, प्लस माइनस माइनस, 100 माइनस 98 टू, दैट बट साइन माइनस टू. ये आप समझ सकते हैं इस बात को, क्लियर है? क्लियर ना? एंड आपको एक बात और की देखनी है, इसको सेटिस्फाइड करानी है, तो इससे अपन फाइंड आउट कर सकते हैं. इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट टर्म, जैसे अपन ने पहले देखा था, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, नेक्स्ट फोर्थ टर्म, एंड दैट इज फिफ्थ, एंड लास्ट इज. ये इसको, ये जो सिक्वेंस है, ये जो वैल्यू है, ये इस एपी को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाइड करनी चाहिए. मीन्स तभी तो ये इसकी जनरल टर्म बनेगी. कोई भी एपी की जनरल टर्म ये बने, इसको सेटिस्फाइड करेगी तो उसकी जनरल टर्म ये होगी. और एक सीक्वेंस जो इसको सेटिस्फाइड करेगी इस सीक्वेंस को, वो ऑलवेज क्या होगी, एपी के अंदर ही होगी. दैट इज सीक्वेंस इन एपी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन, ये थर्ड टर्म है अपना, थर्ड टर्म का फॉर्मूला A3. फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो इसके अंदर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, क्या बनना चाहिए, ए प्लस टू इंटू डी. वी आर पुट हियर ए मीन्स फर्स्ट टर्म, दैट इज 100 प्लस टू इंटू डी. डी का मीन्स माइनस टू. ए थ्री इक्वल्स टू 100 प्लस माइनस, इंटू करते हैं तो साइन पहले यूज करते हैं अपन, साइन उसको पहले पुट करेंगे. प्लस माइनस माइनस, टू टू जा फोर, एंड दैट इज प्लस माइनस माइनस. 100 माइनस फोर इज 96. थर्ड टर्म अपने पास क्या निकल के आई, 96. एंड अपने पास यहां पे भी थर्ड टर्म कौन सी है, ये. कोई भी टर्म हो. नेक्स्ट अपन फाइंड आउट करना चाहिए फिफ्थ टर्म. तो फिफ्थ टर्म अपने पास क्या होगा, ए फाइव. फॉर्मूला क्या बनेगा, सॉरी अपन इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा उसका, ए प्लस फोर इंटू डी. हाउ? ये था फोर, ये बोलेगा ए प्लस फोर डी, ऐसे फाइंड आउट करेंगे अपन. तो यहां पुट करते रहेंगे कि ये वो 92 बनती है कि नहीं बनती. तो ए मीन्स फर्स्ट टर्म, दैट इज 100, फोर इंटू डी. डी मीन्स ऑलवेज माइनस टू, 100 प्लस माइनस माइनस, फोर टू जा एट, ये चल रही है अपने पास. दैट इज माइनस करेंगे तो 100 माइनस 8 92. तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, अपन ने एक सीक्वेंस यूज करी, दैट इज अपन इसको बताना चाहते हैं कि एपी में है या नहीं है, एपी अपन इसको बोल सकते हैं कि नहीं, या फिर अपन ये देख रहे हैं कि कोई भी जनरल टर्म है, ये वाली टर्म एक बार अपन बोल देते हैं ये एक सीक्वेंस है, ये इसको सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं कर रही. तो अपन ने एग्जाम्पल इस फॉर्म में देखा, जिसमें फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के बाद में अपन ने डी फाइंड किया, दैट इज कॉमन डिफरेंस. फिर अपन ने इसके इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म और इसके साथ कंपेरिजन की, सेम बनती है कि नहीं बनती. तो अपने पास इसमें तो क्या है, ए प्लस टू डी, तो यहां था अपने पास ए का मीन्स फर्स्ट टर्म, ये पुट कर दी. फिर डी का मीन्स क्या है, कॉमन डिफरेंस जो ऑलवेज सेम रहेगा, वो पुट कर दिया. अपनी थर्ड टर्म क्या बनी, 96. और अपने सीक्वेंस में भी क्या है, ये देखो, ये जो ए प्लस टू डी अपन यहां से लिया है, तो इसको सेटिस्फाइड कर रही है ना. इसको फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करके देखा तो उससे भी सेटिस्फाइड हो रहा है. तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एक एपी के अंदर, एक सीक्वेंस क्या होगी, ऑलवेज इस फॉर्म में होगी, तो वो क्या बनेगी, एपी को इंडिकेट करेगी, एपी बनाएगी. क्लियर?